विंडो एसी में ऐसा हो रहा है, कूलिंग कोयल पे गया, आधी पे आई आ रही, आधी पे नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में क्या रीज़न होता है, प्लस आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो आप फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो कूलिंग कोयल है वहाँ पर आधे पे आई से आधे पे बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको सेंसर देखना है। सेंसर जो होते हैं लगे होते हैं कूलिंग कोयल पे, एक लगा होता है, एक प्लस आपका रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो सेंसर होते हैं, अगर ये सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि आपके जो कूलिंग कोयल है वहाँ पर आइस आएगी। तो आप क्या करेंगे, सेंसर चेक करेंगे क्लोम पे सेट करके कि इसकी जो वैल्यू है कितनी शो हो रही है। अगर बिल्कुल नहीं होती तो इस कंडीशन में आपका सेंसर खराब होता है, अंदर से शॉर्ट होता है, तब ये दिक्कत आती है। उसके बाद रूम टेम्परेचर सेंसर देखेंगे, जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, उस सेंसर को भी चेक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, इसके जो सेंसर है फिलहाल सेंसर तो ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने चेक कर लिए। उसके बाद हमने टेम्परेचर भी देखा था, मतलब यहाँ पे 28 करके, उसके बाद देखा कंप्रेसर भी कट हो गया, सब कुछ ठीक था, क्योंकि सेंसर इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि टेम्परेचर जो है अप एंड डाउन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका जब टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद जो है कंप्रेसर कट हो जाना चाहिए, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है, अगर आपके आधे उस पर आइस आ रही है, कूलिंग कोयल जो है विंडो एसी जो आपका है उसमें आधे पे आइस आ रही, आधे पे नहीं आ रही, तो उस समय क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके रेफ्रिजरेंट कम है, तब ये दिक्कत आएगी। बट यहाँ पर हमने गैस वगैरह जो भी है, मतलब रेफ्रिजरेंट ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक से हमने देखा गैस अच्छे से थी, और इसमें R22 रेफ्रिजरेंट है, प्लस एक चीज़ और है इसमें, इसके एम्पर भी ठीक चल रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब गैस पूरी होगी तो एम्पर ठीक चलेंगे, मतलब 6-7 एम्पर ले रहा था, ये डेल्टन यूनिट है, और फिर भी इसमें आइस आ रही है, आधी कोयल पर आ रही है बट आधी पे नहीं आ रही। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, वो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, और उम्मीद है आपको भी समझ आएगा अच्छे से। तो फिलहाल ये सब आपके सामने, बाकी इसका जो टेम्परेचर है वो 17 कर रखा है हमने, और इसकी जो मतलब आगे की ग्रिल है मैंने ओपन कर रखी है, और बाकी ग्रिल है और भी ओपन करता हूँ। प्लस इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं सक्शन वाला जो वहाँ पर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के साइड एक फिल्टर लगा होता है, वहाँ पर आइस आ रही है। इसके जो मोटा वाला पाइप है, सक्शन वाला पाइप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमी है, मतलब आपके सामने ये बहुत आइस आ रही है, और बाकी ये आधे साइड में आइस आ रही है, आधे में नहीं आ रही, ठीक है। और इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको सर्विस भी देखेंगे कि सर्विस एकदम करी है या नहीं, नीड एंड क्लीन होना चाहिए आपका एसी, जो एयर कंडीशन है वो आपका कोयल साफ़ होना चाहिए, प्लस का हीटिंग कंडेंसर एकदम नीड एंड क्लीन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जिससे कि वहाँ पर आइस आए। उसके बाद फिल्टर देखना है, अगर फिल्टर आपका चोक होगा तब भी ये दिक्कत आएगी, कैबिनेटी चोक होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, आधे पे आइस आएगी आधे पे नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आइस है, अगर फिल्टर बहुत ज़्यादा आपका फिल्टर चोक है, फिल्टर में गंदगी है, फिल्टर में ऑयल आ गया या फिर कैबिनेटी में ऑयल आ गया, तब भी ये दिक्कत आएगी, तो आप उसको भी ध्यान देख लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑयल वगैरह आया हो, तो इससे भी आपकी दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कैपिलरी ट्यूब प्लस ड्रायर चेंज कर देंगे, कैपिलरी ट्यूब फ्लैश कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो ऑयल वगैरह आता है या फिर आपका गैस सर्कुलेट प्रॉपर नहीं करती तभी ये दिक्कत आती है, फिर आपका फ़ैन नहीं चलता है, जो आप देख रहे हैं फ़ैन हीटिंग ऑड अच्छे से नहीं करता है, प्लस आपका जो फ़ैन होता है कैपेसिटर वीक हो जाता है, तब भी दिक्कत आती है, तो आप उसको भी चेक कर लें। और उसके बाद फिलहाल अभी मैं आपको जो है इसका रूम टेम्परेचर सेंसर, मतलब कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो है उसको हम अभी रफ़ करते हैं और देखते हैं कंप्रेसर कट हो रहा है या नहीं। तो अभी मैंने 16 पर कर रखा है, बाकी मैंने ये देखा करके जो मैंने आपको बताया था वो एकदम कट हो रहा था, सेंसर काम कर रहे थे। उसके बाद इसका कैपेसिटर जो होता है 6UF का है, तो आप उसको भी देख लें, अगर वीक हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आइस आना स्टार्ट होती है, फ़ैन का फ्लो अच्छे से नहीं होता, हीटिंग ऑड नहीं होती, और फ़ैन का फ्लो जो है अच्छे से आगे नहीं आएगा, तब भी आपका जो कूलिंग कोयल है वहाँ पर आइस आएगी। तो फिलहाल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, सेंसर भी ठीक है, प्लस इसके जो मेन दिक्कत थी वो सिर्फ ये है कि इसका जो
ड्रायर है वो चोक है, क्योंकि वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो गई है, नमी आ रही है। जब एयर कंडीशन आपका चल रहा है, मतलब एसी चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, नमी आ रही है, तभी ये दिक्कत आ रही है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर जो है ड्रायर जो है नमी आ रही है, तभी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पर नमी नहीं आना चाहिए। जब आपका एसी चले तो वहाँ पर ड्रायर जो है हल्का हल्का हीट होना चाहिए, बट वहाँ पर क्या हो रहा है, जब एसी चल रहा है तो वहाँ पर नमी आ रही है ड्रायर के पास। तो सिस्टम आपका चोक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सब सिस्टम जब चोक होता है तो उस कंडीशन में आपके आधे पे आइस आएगी, आधे पे नहीं आएगी। तो ये एक मेन रीज़न है। बाकी मैंने आपको बताया सेंसर हो सकता है आपका ख़राब हो, या फिर आपकी जो एसी है बहुत ज़्यादा गंदा हो तब भी ये दिक्कत आएगी, या फिर आपका रेफ्रिजरेंट कम हो फिर भी वहाँ पे आइस आती है। बट उस कंडीशन में क्या होता है, पूरे उस पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। अगर गैस कम है बहुत ज़्यादा तो आधे पे ही आएगी। तो सेंसर वगैरह चेक कर लें, आपको सर्विस चेक कर लेनी है, प्लस यहाँ पे जो दिक्कत है हम पूरा वर्क करना है अच्छे से। ड्रायर हम इसका चेंज कर देंगे, कैबलेट ट्यूब अगर फ्लैश होती है ठीक है, वरना वो भी चेंज कर देंगे, प्लस वैक्यूम करके सोल्डिंग वगैरह करके वैक्यूम करके इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। बाकी फ़ैन की स्पीड भी आपको चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि वीक हो तब भी ये दिक्कत आती है। एक कंडीशन और होती है, अगर आपकी रिले जो होती है, तो अगर रिले आपकी शॉर्ट हो जाती है, आप रिमोट से ऑफ कर देते हैं, उस समय कंडीशन आप उस कंडीशन में कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता है, फिर भी आइस भरपूर रहती है। तो आप ध्यान रखें कि रिले जो होती है, रिले अगर शॉर्ट हो जाएगी तब भी आप रिमोट से बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में ही यहाँ पे बर्फ भरपूर रहेगी, मतलब आगे कूलिंग कॉइल पर आइस जम जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बाकी मैंने जो आपको चेकिंग बताई वो ध्यान दें, और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपका कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी होगी तब भी वहाँ पर ओवर यहाँ पर आइस जमेगी, फैन स्पीड वीक होगी फिर भी वहाँ पर आइस जमेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को चेक करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।